मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू लेसन 15 करेक्टरिस्टिक्स एंड द यूनिक ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका हमने फर्स्ट टॉपिक रीड किया था लास्ट वीडियो में। टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। नेक्स्ट इसका टॉपिक है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, LPG। LPG यानी L मीन्स क्या होता है, लिबरलाइजेशन। P मीन्स प्राइवेटलाइजेशन एंड G मीन्स क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 रिफॉर्म्स हुए थे इकोनॉमिक्स में, ओके। और जो 1991 इसके बाद में जब किसकी थी, कौन थे, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। ये थे उस समय, और जो मनमोहन सिंह थे, उस समय मनमोहन सिंह थे, उस समय जो गवर्नमेंट में क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे ये LPG, ओके। उस समय के बारे में बताया जा रहा है। तो लिबरलाइजेशन वन बाय वन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखो, इसका हिंदी मीन होता है उदारीकरण। इसको क्या बोल सकते हैं, उदार। उदार मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है। प्राइवेटलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, निजीकरण, ठीक है। यानी खुद का प्राइवेट की जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेटलाइजेशन हो गया। और ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी यूनिफिकेशन करना वर्ल्ड के इकोनॉमिक के साथ में, ओके। तो वो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। तो इसको वन बाय वन को रीड करते हैं। सो इसके लिए आप क्या करोगे, ओपन योर बुक। लिबरलाइजेशन क्या होती है, एक ऐसा रिफॉर्म्स है, एक ऐसा सुधार, जो सुधार बताया गया है उसको, एक ऐसी प्रोसेस बताई गई है जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे, ठीक है। वो स्ट्रिक्ट रूल थे, अब क्या कर लिया गया, उन जो गवर्नमेंट के जो स्ट्रिक्ट रूल थे उस पर कंट्रोल कर दिया गया। जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी पॉलिसी के थ्रू, अब उसको क्या कर दिया, वो रेस्ट्रिक्शन जो थे, जो उन्होंने कंट्रोल के जो पॉलिसी बना रखी थी उसको उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। इन द इकोनॉमिक्स, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द सिंप्लीफाइंग इकोनॉमिक पॉलिसी रूल्स वाज दैट द कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी एंड द प्रोड्यूसर्स मेनी कंट्रोल्स ऑफ द रेस्ट्रिक्ट्स वर प्लेस्ड ऑफ द फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कई ऐसी थी जो ये फुलफिल करती थी। एंड द मेजर द विच वर टेकन द गवर्नमेंट इन 1991, जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू एलिमिनेटेड अननेसेसरी कंट्रोल एंड द रेस्ट, जो अनलिमिटेड थे, यानी जो सही नहीं थे, अनलिमिटेड थे, जो असंतुलन पैदा करते थे, उन सब कंट्रोल को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। अंडर दीज ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस इन जुलाई 1991, और ये जो थी लिबरलाइजेशन वो जुलाई 1991 के अंदर क्या कर दी गई, अनाउंस कर दी गई। एंड द प्रोसेस ऑफ द एक्सपेंसिव रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन द वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के अंदर वेरियस जो थे वो जो रिफॉर्म्स थे वो स्टार्ट कर दिए गए थे, ठीक है। एंड द फॉरेन एक्सचेंज टैक्स सिस्टम एक्सेट्रा एंड द सेवरल अननेसेसरी लॉ एंड द कंट्रोल वर द एलिमिनेटेड, जो अनलिमिटेड जो कंट्रोल थे, अननेसेसरी जो लॉज थे, उनको क्या कर दिए गए, पूरी तरह एलिमिनेटेड कर दिए गए थे। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ द लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमिक ट्रांसफर फ्रॉम द सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी इनटू द कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लेस बाय दिस एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड द ट्रांसफर इनटू द मार्केट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिए थे, बहुत कम अपने जो एकदम नाम मात्र के लिए उसमें अपने जो रूल थे वो रखे थे, ठीक है। इस तरह क्या होती है लिबरलाइजेशन। अब आप इसको इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि जो लिबरलाइजेशन जो आपकी ये प्रोसेस है वो क्या करता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको, जो अननेसेसरी पॉलिसी होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी गवर्नमेंट का इतना जो जितना इंटरफेयर था, स्ट्रिक्ट इंटरफेयर था, उसको वो एकदम कम करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेटलाइजेशन। प्राइवेटलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, द प्रोसेस विच इंक्रीज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जो इंक्रीज करता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करता है, इज नॉन एज द प्राइवेटलाइजेशन। वो क्या कहलाता है, प्राइवेटलाइजेशन
कहलाता है. अंडर दिस इंक्रीज अपॉर्चुनिटी आर द प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. ठीक है, इस जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो इंक्रीज हो चुका है और जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इन द प्रोसेस ऑफ द प्राइवेटलाइजेशन ऑल सच इकोनॉमिक पॉलिसी आर द इंक्लूड विच प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. जितनी पॉलिसी है वो क्या करने में लगी हुई है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करने में लगी हुई है. इन ट्रेडिशनल फॉर्म द प्राइवेटलाइजेशन, अब जो ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम इसको रिफर करते हैं प्राइवेटलाइजेशन को, तो ये कैसे प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द गिविंग, ओके, द प्रोसेस ऑफ द गिविंग अवे द पब्लिक और स्टेट प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. यानी वो किसके हैंड में आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप में आ जाती है. ठीक है, तो ये क्या कहलाई, प्राइवेटलाइजेशन पॉलिसी कहलाई थी. सिंस इंडिपेंडेंट टिल 1990 द इंडस्ट्री पॉलिसी विच इज द अडॉप्ट वर द रिजर्व ऑन द पब्लिक सेक्टर एंड ऑपनिंग सॉरी ऑप्टेन लाइसेंस वॉज द मेड ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द इस्टेब्लिश ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री. धीरे धीरे क्या हो गई, 1990 के बाद में वेरियस जो इंडस्ट्री थी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई. तो ये क्या हो गई, प्राइवेटलाइजेशन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन कैसी प्रोसेस बताई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये यूनिफिकेशन करती है इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ में, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में. तो इसको भी हम थोड़ा रीड करते हैं. ग्लोबलाइजेशन रिफर टू द यूनिफिकेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका यूनिफिकेशन करना होता है. ग्लोबलाइजेशन इज सच एज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच नेशनल इकोनॉमी एक्सपेंड आउट ऑफ दियर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ओपननेस एंड द इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिटवीन द कंट्री. यानी कि ये जो डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो किसके बीच में होता है, कंट्रियों के बीच में होता है. फ्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस. अब रियल में जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसी प्रोसेस है, फ्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटलिस्ट सॉरी कैपिटल एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ द लेबर, फ्री फ्लो ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ द नॉलेज एक्सेट्रा बिटवीन वेरियस नेशन. किसके बीच में, बहुत सारे जो वेरियस नेशन है उनके बीच में. इन इंक्लूड इन द वेरियस डायमेंशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. यानी ये ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड पुट द वेरियस बैंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड. यानी इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेड के साथ में बैन लगा दिए गए थे एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ में. दिस वाज द कंसिडर्ड एसेंशियल इन द ऑर्डर टू द प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द फॉरेन कंपटीशन इन द ईयर 1991. वापस देखो, द इन द ईयर ऑफ द 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड द टाइम हैज कम व्हेन द इंडियन प्रोडक्ट शुड बी द कंपीट विद द वर्ल्ड प्लेयर. ओके, यानी एक प्रतियोगिता हो गई थी उसके इंडियन और वर्ल्ड के साथ में. ओके, तो इस तरह क्या होते हैं, ये आपके तीनों टॉपिक क्लियर होते हैं. एक बार फिर से देखो, जो लाइबरलाइजेशन है उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, जो बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रिक्ट थी, वो क्या हो चुकी थी, अब पूरी तरह से उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया उस पॉलिसी के ऊपर. ठीक है, तो अब नए तो क्या है, वो नए तो ज़्यादा उसमें ऐसे होता है, लचीलापन जिसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है और वो हार्ड भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइवेटलाइजेशन, जिसके अंदर किसका होता है, ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है. नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि यूनिफिकेशन किया जाता है किसके साथ में, डोमेस्टिक इकोनॉमी का विथ वर्ल्ड की इकोनॉमी. ओके, तो ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं. ये तीनों टॉपिक में क्या किसके आते हैं, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के ये क्या दे रखे हैं, अलग अलग प्रोसेस बता रखी है. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ द स्वदेशी. नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी. ठीक है,
तो ये जो आपका टॉपिक है उसके अंदर क्या बता रखी है, जो इंडियन का जो प्रोडक्ट होता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए बता रखा है, उससे क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बता रखा है, इकोनॉमिक में कैसे उससे बेनिफिट होंगे उसके बारे में बता रखा है। कुछ ये 10 टॉपिक दे रखे हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि किस किस तरह से मतलब इंडियन इकोनॉमी को आप क्या कर सकते हो, इनक्रीज कर सकते हो। तो ये आप कंसेप्ट ऑफ द स्वदेशी और स्किल डेवलपमेंट 2 टॉपिक्स हैं जो आप क्या करोगे, सेल्फ रीड करोगे, खुद बुक में से रीड करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।